गृहमंत्री अमित शाह के दो दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, वाराणसी में किया पूजा पाठ। काशी विश्वनाथ मंदिर में अमित शाह ने की भगवान भोले की विधिवत आरती। भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह, वाराणसी के हस्त संकुल कला में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मिशन पूर्वांचल पर वाराणसी में अमित शाह ने किया मंथन, विधानसभा प्रभारियों से ढाई घंटे तक चर्चा, काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। आज आजमगढ़ भी जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, जनसभा को करेंगे संबोधित। आजमगढ़ में आज एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे अमित शाह। अमित शाह यूपी के बस्ती में संसद खेल महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश का वार, कहा हार सामने देखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मची खलबली। अखिलेश यादव ने कहा हार के खौफ में ही हर हफ्ते यूपी की दौड़ लगा रहे बड़े नेता। योगी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में अखिलेश यादव, आज गोरखपुर से करेंगे समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। अखिलेश से पहले कल गोरखपुर पहुंचे उनके चाचा शिवपाल यादव, के मन में पल रहा बड़ा सपना, बीजेपी से जुगलबंदी और गवर्नर पद के ऑफर पर बोले बनाना है तो राष्ट्रपति बनाए, हालांकि बाद में संभले और कहा कि वो भी स्वीकार नहीं होगा। बात करा दो हमारी है तो राष्ट्रपति बनाओ फिर गवर्नर के बनाओ, सो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। यूपी में अपने चुनावी मिशन को गति दे रहे अजुद्दीन ओवैसी को लगा झटका। ओवैसी की आज मेरठ के नौचंदी में थी रैली, लेकिन प्रशासन से नहीं मिली मंजूरी। हमीरपुर की जनसभा में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से मांगी गुरु दक्षिणा, माइक से किया गया पैसे देने वालों के नाम का ऐलान। काशी से 100 साल पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की प्रतिमा की कनाडा से वापसी के बाद शहर शहर निकाली जा रही शोभा यात्रा, कानपुर में तपेश्वरी मंदिर में अन्नपूर्णा को कराया गया विश्राम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर छिड़ा घमासान, यूपी के मेरठ में कई संगठनों ने फूंका खुर्शीद का पुतला। अपनी किताब को लेकर विवादों में घिरे सलमान खुर्शीद की सफाई, कहा किसी को आहत करने के मकसद से नहीं लिखी कोई बात। सलमान खुर्शीद ने कहा तथ्य उपल तरीके से पेश कर रहा विपक्ष, हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम से करने पर मचा बवाल। सलमान खुर्शीद की किताब के बहाने अखिलेश ने साधा निशाना, कहा अपने अलावा किसी को हिंदू नहीं समझती बीजेपी, देश को ऐसे लोगों से बचाना जरूरी है। आजादी को लेकर कंगना के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तीखी टिप्पणी, कहा 1947 में ही मिली थी आजादी, सोचने समझने की जितनी हैसियत वैसे सवाल उठाते हैं लोग। यूपी के बाद बिहार में भी जिन्ना पर संग्राम, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने की जिन्ना की तारीफ, का एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना। दलित जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आजादी की आजादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम फाइटर। जिन्ना पर जेडीयू नेता के विवादित बयान पर बीजेपी का वार, सम्राट चौधरी ने कहा जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाए, भारत में रहना है तो भारत माता कहना होगा। जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। झारखंड में हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को दी हरी झंडी, सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को अब मुफ्त किताबें मिलेंगी। अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हरमिंदर साहिब के दर्शन किए, आम आदमी पार्टी को बताया कांग्रेस की मीटिंग। के 20 सीटा च रह गई आम आदमी पार्टी, ओ भी विचो भी 10 छड़ के चले गए, असि तो पहले ही कहंदे सी कांग्रेस की बी टीम है, ते देखिया ही हैगा लोकसभा। हरसिमरत कौर बादल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बताया प्रचार मुख्यमंत्री, कहा जमीनी हकीकत से सीएम चन्नी का वास्ता नहीं। पंजाब में डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान, मुक्तसर महिला किसान ने सुनाया दुखड़ा, लेट हो रही गेहूं की बुआई। देश में डीएपी खाद की कमी का कालाबाजारी उठा रहे फायदा, झालावाड़ में 150 से ज्यादा नकली डीएपी की बोरियां जब्त। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का फैसला, लाल किला हिंसा में शामिल लोगों को करेंगे सम्मानित। पंजाब के सीएम चन्नी ने लाल किला हिंसा में शामिल 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए मदद का किया ऐलान।
देश में पिछले 24 घंटे में फिर बड़े कोरोना के केस, 11,850 नए कोरोना केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 555 लोगों की गई जान। देश में अब तक 1,11,40,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच, बंद के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़, जबरन बंद कराई गई दुकानें। नांदेड़ में सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज, प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी को किया हमला, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़, पथराव, कई पुलिस वाले घायल। वाशिम में भी बंद समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात, दुकानें बंद करवाने के लिए की गई तोड़फोड़। वाशिम में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, 7 हिरासत में सीसीटीवी से की जा रही हुड़दंगियों की पहचान। अमरावती में बंद के दौरान सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, खुली दुकानों पर हमला, दुकानदारों से मारपीट। नासिक के मालेगांव में भी बिगड़े हालात, जबरन दुकानें बंद करवाते नजर आए प्रदर्शनकारी, पुलिस पर भी पथराव। औरंगाबाद में बंद का व्यापक असर, दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, गिरे रहे दुकानों के शटर। भरतपुर में दर्दनाक हादसा, सीमेंट से भरा ट्रक पलटने से 3 बाइक सवारों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भरतपुर में हादसे के बाद कई घंटे तक चला रेस्क्यू मिशन, पुलिस के साथ सेना के जवान भी रेस्क्यू मिशन में जुटे। नोएडा के फेज 2 इलाके में पार्क में मिला 6 साल की बच्ची का शव, कल शाम घर के बाहर खेलते हुए लापता हुई थी, पुलिस को किसी करीबी की हत्या का शक। केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य रश्मि सिंह का विवादित बयान, कहा विधायक की नहीं सुनते लोग, डरा धमका कर कराती हूं काम, वायरल हुआ वीडियो। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में हंगामा, पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा के समर्थकों ने टिकट दावेदारों को मंच पर पीटा। भोपाल में अभिवन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमरापति रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव, मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिखा खत, 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भोपाल में मंच से उतरते वक्त सीढ़ियों से गिरे बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेश पचौरी, बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। ललितपुर में खाद लेने आए बुजुर्ग किसान के साथ बदसलूक का वीडियो वायरल, किसान ने कहा सुबह से शाम तक खाद न मिलने के बाद कारण पूछने पर सहकारी समिति के सचिव ने की गाली गलौज। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के सीएम चन्नी का ऐलान, 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले 83 लोगों को देंगे 2 लाख का मुआवजा। लखीमपुर हिंसा कांड का एक और वीडियो वायरल, तस्वीरों में नजर आ रहा है हमले से पहले थार गाड़ी पर लटक कर जाते लोगों का झुंड, कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है एसआईटी। फ्लिपकार्ट कंपनी को जमीन आवंटन के विरोध में किसानों की मोर्चाबंदी, आज गुरुग्राम में होगी किसान महापंचायत। गुजरात यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के तौर पर होगी हिंदू धर्म की पढ़ाई, कांग्रेस ने की सरकारी नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करने की मांग। यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 को गति देंगे फाइटर प्लेन, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी। 7 राज्यों का माओवादी प्रमुख प्रशांत बोस पत्नी के साथ गिरफ्तार, पुलिस ने किया था 1 करोड़ के इनाम का ऐलान, झारखंड पुलिस की टीम ने सरायकेला से दबोचा। दिल्ली दंगों के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में आरोप तय, अंबेडकर कॉलेज के पास 25 फरवरी 2020 की पूरी तरह पीट कर दी गई थी युवक की हत्या। जनसत्ता दल की महिला नेता ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर माफी मांगी, दिवाली पर पटाखों की जगह चलाई थी गोली। धौलपुर में ऑपरेशन मिलाप के तहत मुक्त कराए गए 1.5 दर्जन से ज्यादा बाल श्रमिक, कारोबारियों के खिलाफ 10 केस दर्ज। इटावा में 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए पैसे से बाइक और सामान खरीदने का आरोप। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंग रेप केस में आजीवन कारावास की सजा, बाकी 2 दोषियों को भी उम्र कैद। कोर्ट की सजा को गायत्री प्रजापति ने बताया सियासी रंजिश, कहा मैं अमेठी से चुनाव न लड़ सकूं इसलिए सरकार ने फंसाया। राजस्थान करौली में युवक की मौत पर हंगामा, अस्पताल में परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, बोले किसानों को बदलना चाहिए अपना नेतृत्व। दिल्ली में 20 दिन बाद कोरोना से 2 मौत से बड़ी चिंता, पिछले 24 घंटे में नए मामलों का आंकड़ा 50 से बढ़कर 62 हुआ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात, सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई में
सीजेआई ने प्रदूषण पर जताई नाराजगी, कहा हालात इतने बदतर, घर में मास्क पहनकर रहना पड़ रहा मुश्किल। दिल्ली में खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा प्रदूषण का स्तर, सफर के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 499 के स्तर पर पहुंचा है क्वालिटी इंडेक्स। पराली और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बढ़ा रहा है दिल्ली की मुश्किलें, नोएडा में निर्माण कार्य की वजह से बढ़ा PM10 का स्तर। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, तमाम इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मुसीबत के बादल छंटने की उम्मीद, बारिश में कमी की संभावना। एनसीबी टीम के साथ बीता शाहरुख खान के बेटे आर्यन का पूरा दिन, क्रूज ड्रग्स केस में रात 11:30 बजे तक चलती रही पूछताछ। समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की भी जांच तेज, एनसीबी की विजिलेंस टीम इकट्ठा किए इलेक्ट्रॉनिक सबूत। अब तक प्रभाकर सैल समेत 15 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज, कुछ और लोगों से पूछताछ की तैयारी। हारिन के शासन के लेने वाले किरण गोसावी के खिलाफ मेरठ में दर्ज है धोखाधड़ी का मामला, लाखों रुपए की ठगी के मामले में पूछताछ की तैयारी। किरण गोसावी की महिला सहयोगी को पुलिस ने पुणे से किया गिरफ्तार, युवाओं को विदेशों में नौकरी का लालच देकर लाखों का चूना लगाने का आरोप। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, कोरोना काल से पहले की तरह सामान्य तरीके से दौड़ेंगे 1700 स्पेशल ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने जारी किया बदलाव का सर्कुलर, 30% तक किराया घटाने का ऐलान, पुराने किराए पर यात्री कर सकेंगे सफर। पिछले साल मार्च में बंद हुआ था ट्रेनों का संचालन, लॉकडाउन के बाद स्पेशल का टैग लगाकर वसूला जा रहा था 30% अतिरिक्त किराया। रेल मंत्रालय के मुताबिक जल्द लागू होंगे नए नियम, अब पुराने नाम और नंबर के साथ दौड़ेंगी ट्रेन, जनरल के टिकट पर अब भी पाबंदी। पहले से की गई बुकिंग पर नहीं मिलेगी कोई राहत, रेलवे ने कहा ना अतिरिक्त चार्ज वसूलेंगे ना रिफंड मिलेगा। गुजरात के पाटन में युवती को तालिबानी सजा, दूसरी जाति के लड़के से शादी करने पर मुंह काला करके कॉलोनी में घुमाया। बाल कटवाकर युवती के सिर पर रखे गए कर्म अंकारे, वीडियो वायरल होने के बाद 15 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। आगरा में फंदे से लटका मिला महिला का शव, 1 साल पहले अल्पसंख्यक समुदाय के युवक से किया था प्रेम विवाह। महिला की संदिग्ध मौत के बाद चिल्ली पहाड़ा इलाके में तनाव, जमकर पथराव और फायरिंग। फरीदाबाद में मनी ट्रांसफर शॉप पर 80,000 रुपए की लूट, नकाब पुष्प बदमाशों ने दुकान में मौजूद सभी लोगों को बंदूक की नोक पर बनाया बंधक। बरेली में भंडारे के लिए जाते वक्त युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात का शक। बरेली में पति से झगड़े के बाद महिला ने गला दबाकर की 2 बच्चों की हत्या, 1 की उम्र 5 महीने, दूसरे की 2 साल। हैदराबाद में क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले रैकेट पर शिकंजा, 1 सटोरिया गिरफ्तार। कोलकाता के टॉलीगंज में गर्भवती महिला ने फंदे से लटककर दी जान, सुसाइड नोट में लिखा मेरी मौत की वजह मेरी सास। इटावा में युवती का शव नाले में मिलने से सनसनी, गले में नायलॉन की रस्सी का फंदा मिलने से हत्या का शक। बिहार में PSRTC की बस ने बाइक सवार को कुचला, हादसे के बाद 1 किलोमीटर तक घसीट कर ली गई बस, गुस्साए लोगों ने बस में डंपर की तोड़फोड़। कोलकाता के मजूरपाड़ा इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, 15 झुग्गियां जलकर खाक। बारामती में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, 35 एकड़ फसल जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से हादसे का आशंक। हावड़ा में PWD दफ्तर के पिछले हिस्से में आग लगने से अफरा तफरी, हादसे के कुछ देर पहले ही दफ्तर बंद करके निकले थे कर्मचारी। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले के जकुवा गांव में लगी भीषण आग, कई घर जलकर खाक, जिला प्रशासन ने दिया दूसरी जगह बसाने का आश्वासन। 14 नवंबर के दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बाद भी लखनऊ में लोग महंगाई से बेहाल, 7वें आसमान पर है सब्जियों के दाम। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सीमा सुरक्षा बल के जवानों पश्चिम बंगाल में ईंट भट्टा मालिकों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, कहा कोरोना काल के बाद भी नहीं बढ़ी ईंटों की बिक्री। धौलपुर में अश्लेश्वर महादेव मंदिर बना आकर्षण का केंद्र, 3 दिन में 3 बार रंग बदलता है शिवलिंग।